हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ के स्क्रूटनी से संबंधित, जो कि आपका रिजल्ट जारी हो चुका है और बहुत से बच्चों को पता ही नहीं कि आखिर वो रिजल्ट हमें चेक कहाँ से करना है, या किसी का मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, किसी का मार्क्स डिक्रीज हो रहा है, किसी का बढ़ा ही नहीं है और किसी में स्क्रूटनी का नंबर ही नहीं आया। तो मैं सारे प्रॉब्लम को दूर करते चलता हूँ। सबसे पहले आपको जब बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट यहाँ दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप बोर्ड पर क्लिक करते हैं ऑफिशियल साइट पर, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं, जब आपका इस तरह का पेज खुलता है फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं आपको एक रोल कोड और रोल नंबर डाल के दिखाता हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं उनका रोल कोड डाल देता हूँ। रोल कॉल था आपका 26011 और रोल नंबर था इस बच्चे का 2000233। अब मैं कैप्चा डाल देता हूँ। तो यहाँ कैप्चा डालते हैं, तो सबसे पहले यह 549 और आपका 8917, तो 179 गेट रिजल्ट। सॉरी, यहाँ पे नहीं डालना था हमें 179, ये आपको 179 इसमें डालना था और गेट रिजल्ट पे क्लिक करना था। जैसे ही आप गेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, तो रिजल्ट लोड हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सक्सेस प्लीज़ गेट योर रिजल्ट, यानी आप अपने रिजल्ट को प्राप्त कर लें। अब यहाँ से देख सकते हैं, इस बच्चे का नाम कंचन कुमारी था और रीना देवी। और जिस बच्चे का मार्क्स, अब मैं यहाँ एक कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, जिस बच्चे का मार्क्स अगर स्क्रूटनी में बढ़ा है, तो उसके यहाँ पर क्लियर लिखा जाएगा आफ्टर स्क्रूटनी रिजल्ट। और जिन बच्चों का मार्क्स नहीं बढ़ा है, तो वो सोच रहे हैं कि स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया, तो भाई आप गलत सोच रहे हैं। स्क्रूटनी का रिजल्ट आ चुका है। आपका मार्क्स में एक नंबर भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ, तो आपके स्क्रूटनी में कुछ नहीं लिखाएगा, वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस बच्चे का 8 नंबर बढ़ा है, जैसा कि 280 नंबर इसका ऑफिशियली था, लेकिन इसका 288 नंबर है। अब मैं आपको एक और बच्चे का दिखा देता हूँ, जिसके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो किसी तरह का। अब मैं उनका भी आप लोग देख ही लो। तो जब आप यहां फिर से क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, जहां पे आपके रोल कोड और रोल नंबर मांगे जाएंगे। तो अब मैं रोल कोड डालता हूं, तो ये 26009 और इस बच्चे का रोल नंबर था 2000247। और जब आप इस पर क्लिक करते हो इसके कैप्चा पे, तो 12 ये गेट रिजल्ट क्लिक करते हो, तो सक्सेसफुल गेट रिजल्ट। और यहाँ जब आप गेट रिजल्ट पे आते हो, तो देखते हो कि इसमें यहाँ आफ्टर स्क्रूटनी नहीं लिखा हुआ है इसका, यानी मतलब स्क्रूटनी तो हुआ है, लेकिन इस बच्चे का मार्क्स नहीं बढ़ा, यानी इस बच्चे का मार्क्स 332 था, तो 332 ही रहेगा। आई होप आप लोग रिजल्ट चेक करने के लिए सीख गए होंगे किस तरह से रिजल्ट आपका चेक किया जाता है। और वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऑलमोस्ट अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।